वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शंकर पारे की रेसिपी बताने वाली हूँ। एक कटोरी घी, एक कटोरी शक्कर, एक कटोरी दूध और मैदा। घी, शक्कर और दूध का मेजरमेंट बराबर रखना है। अब एक डब्बा ले ली हूँ, मैं उस डब्बे में दूध गुनगुना दूध डाल रही हूँ। बहुत गर्म नहीं रखना है, हल्का गुनगुना रखना है। अब उसमें मैं शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर को डाल के उसमें अच्छे से इसको घोलना है ताकि शक्कर गल जाए। दूध में गुनगुना दूध इसलिए रखे हैं कि शक्कर उसमें से अच्छे से और जल्दी से घुल जाएगा। घी पहले नहीं डालना है, सब घी को भी साथ में नहीं डालना है, ना पहले डालना है, नहीं तो शक्कर घुलेगा नहीं। शक्कर घुल जाए तो ही घी डालें। कर देखिए घुल गया है। अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ। घी को थोड़ा गुनगुना करके ही डालें। मेरा घी कब गुनगुना था इसके लिए मैंने इसको निकाल कर और गुनगुना किया। गुनगुना मतलब गरम करना। अब मैं इसमें मैदा उतना ही डालूंगी जितना इसमें समा जाए। इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये डोर को बहुत गीला नहीं रखना है, इसमें मैदा और लगेगा भी। अभी भी मेरा गीला है डो। अब इसमें और भी मैदा ऐड करना है क्योंकि अभी भी ये गीला है। इसमें करीब 700-800 ग्राम मैदे लगे हैं। अब ये थोड़ा डोर नरम ही रहेगा। इसको मैं 2 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख दूंगी, तब ये जाके कड़क होगा थोड़ा।
अब मैं इसको 2 घंटे के लिए, ये देखिए अभी सॉफ्ट सॉफ्ट है अभी, इसको सेट कर दूंगी तो ये कड़क हो जाएगा। मैं इसे अब 2 घंटे के लिए रख देती हूँ। दो घंटे हो गए हैं, अब मैं इसको, अब देखिए डोर कड़क हो गए हैं, आप देख पा रहे हैं। अब इसको 1 मिनट तक इसको मसलना है। कुछ इस प्रकार अब मैं मसल चुकी हूँ। अब इस सारे डोर को मैं इक्वल इक्वल पार्ट में बांट दूंगी, मतलब चकई बना लूंगी। मैंने इसको इक्वल इक्वल पार्ट में बांट दिया है। अब इसको बोलेंगे, एक चकई को उठा के इस पे बेलना है, बेलन के सहारे। इसको बहुत मोटा नहीं बेलना है, पतला ही बेलना है, बहुत पतला भी नहीं, मीडियम साइज रहे। फूलने के बाद ये मोटा हो जाता है। अब मैं इसको कटर के सहारे कट कर देती हूँ। आपके पास कटर नहीं है तो आप चाकू से भी कर सकते हैं, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, चौकोर, त्रिकोणा, बर्फी कटिंग। मैं इसे बर्फी कटिंग दे रही हूँ। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्रकार सारे डोर को बेलना है। और मैं कढ़ाई में तेल पहले से ही गरम करने के लिए रख दी थी। अब देखते हैं गरम हुआ कि नहीं। मैंने एक पीस डाल के देखा है, गरम हो गया है तेल। अब मैं सारे शंकरपाली के इसमें डाल के इसको स्लो आँच में इसको गरम तलना है। इसका लो जो है मीडियम ही रहना रहे, बहुत हाई फ्लेम में नहीं करना, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर ऊपर से लाल हो जाएगा। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मेरा शंकरपाली बन के तैयार हो गया है, आप देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है। आप घर पर बनाइए और हमें कमेंट में बताइए कैसे बना है।